ब्रॉट यू बाय एजलस डायग्नोस्टिक्स। एजलस डायग्नोस्टिक्स। वर्ल्ड कप 2023 के तीन सेमीफाइनलिस्ट तय हुए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। चौथी टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से कोई एक होगी। जनता की डिमांड है पाकिस्तान, ताकि भारत पाकिस्तान मैच देखने का एक और चांस इंडियन फैंस को मिल सके। तो लाख का सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को अगर भारत से सेमीफाइनल खेलना है तो उसके लिए क्या करना होगा। उससे पहले आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसने श्रीलंका को, जी हाँ श्रीलंका को, गुरुवार को हरा दिया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हो गए। अब क्या कुछ पाकिस्तान को करना होगा जिससे वो भारत के खिलाफ सेमीफाइनल खेल सके, वो आपको बताते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना होगा, और हराना ही नहीं, ऐसा हराना होगा जैसा कि आज तक कोई टीम किसी दूसरी टीम को ना हरा पाई हो। माने कारनामा करना होगा। न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर 5 विकेट से जीत के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना चांद पर पैदल जाने जैसा है। फिर भी एक बात कही जाती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल पॉसिबल भी हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान को अगर भारत के साथ सेमीफाइनल की अपनी सीट पक्की करनी है तो उसे अपने आखिरी मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को लगभग 287 रनों के अंतर से हराना होगा। इतने बड़े बड़े स्कोर से हमने टीमों को हराते हुए मोस्टली टेस्ट क्रिकेट में देखा है, लेकिन वनडे में इतने बड़े मार्जिन से जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा ना कि इम्पॉसिबल नहीं। यह आंकड़ा क्रिकेट स्टैट्स पर नज़र रखने वाले मोहनदास मेनन ने बताया। मेनन ने यह भी बताया कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तान को 284 गेंद रहते मैच जीतना होगा, माने 16 गेंदों में टारगेट अचीव करना होगा। बिल्कुल मजाकिया है। बहरहाल ये आंकड़े देखने या सुनने के बाद आप यही सोचेंगे कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया। बात भी ठीक है, ठीक क्या, लगभग तय है। हमें तो आंकड़े बताने थे, सो बता दिए। कैसे हम किसी भी टीम को ऐसे एक चूहे बाहर करते हैं? हम तो चाहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल हो और हम फिर से जीते, लेकिन न्यूजीलैंड से भी तो पुराना हिसाब चुकता करना है। वानखेड़े में इस बार ये करने का मौका भी होगा। अभी तस्वीर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच के बाद साफ हो जाएगी। इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच मैच में अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है और 300 रन तान देती है तो पाकिस्तान को ये टारगेट 6 ओवर में चेस करना होगा। अब सोच कर देखिए, 6 ओवर में 300 रन का टारगेट, माने एक ओवर में अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगाए जाएँ तो भी 6 ओवर में ये स्कोर जो है लगभग शायद 200 रन के आसपास का होगा। 300 तो कतई नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा करने पर ही पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से आगे निकल पाएगी। इसलिए ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि अब पाकिस्तान के लिए ना गुणा भाग बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, और कुदरत का निज़ाम वाली जो थ्योरी लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है वो भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का साथ देती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया है उसके बाद पाकिस्तान का रास्ता बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। देखते हैं खैर मैच में क्या होता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और अनिश्चितताएँ हैं। जब तक सेमीफाइनल की 4 टीमें फाइनल नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना बेमानी होगा। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रशांत ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल दी ललन टॉप। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।